और अब बात कर लेते हैं भेड़ियों के आतंक की। तो बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी है। अब इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती का भी असर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन भेड़िया को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी फील्ड पर इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि आदमखोर भेड़िया रात करीब 10 से सुबह 5 बजे के बीच ही हमला करता है और इस दौरान सभी टीमें जो वहां पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और यहां तक भी कह दिया गया है कि अगर भेड़िया दिखता है, अगर पकड़ में नहीं आता है तो उसे गोली मारने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो अब एक तरह से कह लीजिए इस ऑपरेशन को जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वहां जो आम लोग हैं अब वो इससे बेहद परेशान हो गए हैं। अब तक कईयों को भेड़िया ने अपना निवाला बना लिया है, कईयों को घायल कर दिया है। अब वहां के लिए एक तरह से कह लीजिए कि भेड़िया आतंक का पर्याय बन गया है। अब इसलिए सीएम योगी ने सख्ती के साथ कहा है कि आप जितने भी टीम बना सकते हैं बनाइए, फील्ड पर उतरिए, भेड़ियों को पकड़िए और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर इस भेड़िए को गोली मार दीजिए। और अब बात उस भेड़िए की करते हैं जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हो चुकी है। निशाने पर अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव। सीएम योगी ने ना सिर्फ अखिलेश और शिवपाल की तुलना भेड़िए के आतंक से कर दी बल्कि उन्होंने 2017 से पहले भेड़िया काल की भी काफी जिक्र किया है। जिन भेड़ियों के तांडव से 50-50 गांव में दहशत फैली है, जिस भेड़िए के आतंक से बच्चा बच्चा डरा सहमा है, अब उस भेड़िए पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है। नहीं देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। अखिलेश यादव ने जैसे ही आदमखोर भेड़ियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया वैसे ही योगी ने जुबानी एनकाउंटर कर दिया। सीएम योगी ने भेड़ियों के आतंक को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले, एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे किसी से छुपा हुआ नहीं है और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा, महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। सीएम योगी ने ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेड़ियों की दहशत से जोड़ा बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया। सीएम योगी ने कहा, चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेड़िया राज लाना चाहते थे, भेड़ियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बंटे हुए थे, दोनों आदमखोर भेड़ियों की तरह उत्पात मचा रहे थे। योगी की इसी टिप्पणी पर जब न्यूज 18 के रिपोर्टर ने अखिलेश से सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल को नजरअंदाज करते हुए रुख विधानसभा का कर लिया। सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, सरावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है, कई सौ किसान गरीब उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है, सरकारी कंफ्यूज है। सियासत के इस भेड़िया काल में अब जुबानी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी 2017 से पहले की दहशत को जनता के सामने ला रही है तो समाजवादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है। ये भेड़िया जो है वो लालची होता है, धूर्त होता है और 2017 के पहले लालची और धूर्तों का जो है वो कार्यकाल था। तो चाचा भतीजे जो हैं वो भेड़ियों के आतंक के प्रतीक तो हैं ही योगी आदित्यनाथ जी ने, इसलिए जो है मनुष्य रूपी जो है भेड़ियों को पहचानने का काम किया है।
तो सरकार 17 के बाद से काम क्यों नहीं कर पा रही है? ये निगेटिव राजनीति सरकार क्यों करती है? निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती है? इसके मतलब उनके पास पॉजिटिव बताने को कुछ नहीं है। जब पॉजिटिव बताने को नहीं होता है, जब आप समाज के अंदर में बढ़ते हुए करप्शन को नहीं रोक पा रहे हो, लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, समाज में आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, महिला पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, तब आप पिछली सरकारों को के ऊपर एक निगेटिविटी थोपने की कोशिश करते हो। यानी जिस भेड़िए को निपटाने के लिए वन विभाग समेत यूपी पुलिस दलबल के साथ खेत खलिहानों की खाक छान रही है, अब उसी भेड़िए की दहशत पर सियासत भी जमकर हो रही है। और जिक्र 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। भेड़िए के हमले के बाद इलाके में ईंट भट्टे के पास 3 जंगली जानवरों के वीडियो भी सामने आए, जिसमें ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऐसे में आप ग्रामीण लाठी और डंडे लेकर रात में अपने मवेशी और परिवार की रखवाली कर रही है। करारी थाना क्षेत्र के निवारी और खोजवापुर गाँव की ये घटना बताई जा रही है। बहराइच सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी भेड़ियों के खौफ से लोग दहशत में हैं। कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर निवारी गांव के ग्रामीणों का यह दावा है कि यहां पर भेड़ियों ने बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला किया है। हालांकि तीनों लोग भेड़ियों के हमले में जख्मी हुए, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे, जो रात में इस वक्त कहीं ना कहीं भेड़ियों के खौफ से गांव में पहरा दे रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या घटना घटी थी। पहले तो हम उस शख्स से बात करेंगे जिसके चोट लगी हुई है। कैसे चोट लगी आपके? सर जी, वो हम बकरियां चरा रहे थे नदी किनारे, तो नीचे बैठे हुए थे, मच्छी पकड़ रहे थे, तो उधर बच्चे को, जो छोटा बच्चे को हमला किया था, तो उसने चिल्लाया, उधर बच्चे लोग सब बकरियां फकरियां चरा रहे थे, तो हमने समझा बच्चे लोग झगड़ा उगड़ा किए होंगे। उसके बाद हम बैठ के नीचे मच्छी मारने लगे, और बकरियां हमारी ऊंचे पे थी, तो उसको देखा तो बकरियां को हमारे जब दौड़ा ना, तो हमारी बकरियां नीचे गिर गई, तो हमने ऊपर आके देखा कि क्या चीज़ है, बकरियों को दौड़ाया तो देखे ना, तो वो कुछ दूर तक निकल गया था। कुछ दूर निकलने के बाद में हम जब उसको बोला कि ये जानवर जा रहा है, तो पीछे लौट के हमारे ऊपर हमला किया। कौन सा जानवर था वो? जी, भेड़िया सर। कितने संख्या में थे? संख्या में तो एक ही उस टाइम दिखाई दिया, उसके बाद में जो बच्चे लोग को हमला किया वो दूसरा है। अच्छा। ये तो हमारे पास अकेले दिखा था वहाँ पे। कितने लोगों पे हमला किया? 3 आदमी पे। 3 आदमी जी। तीनों लोगों को चोट पहुँचाया? जी, एक बच्चा है छोटा, 2 आदमी तो 30-35 साल के हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जिस गांव के ग्रामीण हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, कहीं ना कहीं एक इस बात के दहशत में हैं कि ये जो खूंखार भेड़िया हैं, जैसा कि ग्रामीणों की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि जो हमला किया गया है दिन पर बच्चे समेत 3 लोगों पर, वो भेड़ियों के द्वारा किया गया। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, वे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था गाँव में। लाठी लेके आप टहल रहे हैं? लाठी लेके घूमते हैं सर, भेड़िया बहुत जोर किए हैं, भेड़िए के लिए लाठी लेके, डंडा लेके, टार्च लेके घूम रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, जानवर भी बांधे हैं, तो मतलब रक्षा कर वो देखने के लिए। कितने लोगों पे भेड़ियों ने हमला किया? 3 लोगों पे किया। कितनी की संख्या में थे भेड़िए? अरे वो 5-6 के संख्या में थे। अच्छा, बाकी सब साथ में नहीं गए, 5-6 हैं। अच्छा, ठीक। और भी लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। आपके हाथ में लाठी है, किस बात की दहशत है आप? यहाँ पे जानवर निकला है, भेड़िया। अच्छा, रात बिरात में, दिन में भी टोड़ता है, रात में भी लड़के लोग सोते हैं गर्मी। और सीएम योगी के दौरे की अब बात कर लेते हैं, तो सीएम योगी आज सुबह 10:30 अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क पहुंचेगा। यहां से सीएम योगी राम सेवक फोरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। तो आज अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज सुबह 10:30 करीब अयोध्या पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद सीएम योगी अयोध्या से गोरखपुर भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के 54 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
दरअसल पहली बार लखनऊ से बाहर गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी पहली बार लखनऊ की जगह गोरखपुर में हो रहे आयोजन में पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम शाम को 4 बजे रखा गया है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में जालौन जिले की बैठक होनी है। बैठक में जालौन जिले के जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी को बुलाया गया है। एसपी कार्यालय में होने वाली बैठक में अखिलेश यादव तमाम पदाधिकारियों के आगे की रणनीति पर काम करने के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को गोरखपुर जिले की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और अब जालौन की बैठक में भी तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें अखिलेश यादव इनसे आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। और अब खबर प्रयागराज से लेते हैं, जहां पर नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया है। कर्मचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद अवैध निर्माण के कारण मदरसे को सील किया गया। मदरसे के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मदरसे में नकली नोट की छपाई चल रही थी। मदरसे से आपत्तिजनक किताब मिली थी। मदरसे के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही नकली नोट के 2 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब सील की कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के अतरसुया इलाके में स्थित जामिया हबीबिया मदरसे में 28 अगस्त को नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद से लगातार इस मामले में जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन का भी शिकंजा इस मदरसे पर कसा जा रहा है। ये 84 साल पुराना मदरसा है। अब इस मदरसे पर सीलिंग की कार्यवाही प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आज दोपहर करीब 3 बजे यहां पर पहुंची थी और यहां पर करीब 70 बच्चे थे, 12 प्रबंध कमेटी के लोग थे। इसके साथ ही साथ यहां पर जो उनके परिवार के लोग रहते थे, तकरीबन 100 लोग थे, जिन्हें यहां से बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद इस मदरसे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीलिंग के बाद यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अनाधिकृत होने के चलते यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनर्निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार के क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। इस बात का यहां पर नोटिस भी लगाया गया है। दरअसल यह बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है, इसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आईबी के साथ ही साथ LIU, UPATS और STF, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं। और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो या फिर इस मामले में अवैध निर्माण की बात हो, हर एंगल से कार्रवाई की जा रही है। और माना जा रहा है कि यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर का भी एक्शन देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।